मॉर्निंग, आप तो कैसे हैं? रियांश मॉम ऑन ड्यूटी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। रियांश उठ चुके हैं, रियांश नहा चुके हैं और बज रहा है 8:30 और आज पितर पक्ष आज से स्टार्ट हो गया है। रियांश हेलो बोल दो। ओ हेलो बोलो। रियांश सुबह ही जल्दी उठ गए थे, है ना रियांश? और आप सब बताइए आपके वहाँ कैसे पितरपक्ष में किया? वैसे पितरपक्ष सभी के वहाँ मोस्टली होता है, पितरपक्ष में कोई भी नए सामान नहीं आते, नए कपड़े नहीं आते, नई चीजें कोई नहीं होती और नया शुभ काम नहीं किया जाता है। और मुझे तो इतना ज्यादा पता नहीं है पितरपक्ष में क्या करते हैं, क्योंकि मम्मी थी, मेरी मदर इन लॉ थी, तब तक वही सब कुछ करती थी और अब बड़ी वाली भाभी जो है वो करती है, क्योंकि हमारी शादी के 1 से 1.5 साल बाद मम्मी एक्सपायर हो गई थी। 1 साल हमारे साथ रहती थी और फिर उसके बाद बीमार हो गई, तो बीमारी में तो इतना पता नहीं चल पाया क्या करना है क्या नहीं। छत पे चलेंगे तब चलाएंगे, रहन सभी कमरे में नहीं। चीला बना दे रही हूँ। बेसन मैंने छान दिया था, पहले छान के भरती हूँ। 2 चम्मच सूजी बेसन डाल दी और ये लगभग 2 चम्मच सूजी में से छान लिया है, ये छान के नहीं रखा था ना, तो इसलिए मैंने इसे छान लिया है। जितनी आप बेसन डाल रहे हैं ना उतनी आप सूजी डालिए, मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा था बेसन से। अब थोड़ा सा प्याज डालना नहीं बेटा, थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया। रियांश, अब मैं रियांश के साथ थोड़ी मैं किचन में सारा काम करके फिनिश हो गई हूँ और रियांश क्या कर रहा था? मम्मा के साथ खेलेगा हैं? हेलो बोल लो। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस कैसे हो? चलो और ये बहुत पुराना फोन है, रियांश 6 मंथ के तो मैं घर गई थी लखनऊ, तो मेरे सिस्टर ने दिलाया था। दिखा दो सबको और आप लोग फैन दिखाओ, आपके जॉब में आप इधर बैठो। दादू दादू था कौन सा गेम खेल रहे हो? कई सारे तो मैंने सब तोड़ दिए हैं, अब मैं हटाऊंगी। ये छोटी छोटी कार होती है ना, रियांश को बहुत पसंद है, कहीं भी छोटी छोटी कारें इनको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे इनके पास कार थी, इन्होंने सब तोड़ दी है। एक ये रोबोट कार,
मतलब रोबोट बन जाते थे जिनमें सारे प्रोटीन सेल से चलती थी। ये चल रहा है। सारे खिलौने तोड़ दिए। ध्यान से मुझे पियानो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे द्वार से लाए थे हरिद्वार। ऐसे नहीं बजता है, ऐसे बजता है। ये डमरू है, डमरू लाए थे ना रश। और मैं आप सभी के साथ लंच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आज मैं बहुत ही फेमस डिश लखनऊ की बनाने जा रही हूँ, लखनऊ की भैंस कबाब पराठे। चलिए चलते हैं। भैंस कबाब पराठा बनाने में मैंने धुली हुई चने की दाल और सोयाबीन चंक्स और इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च लिए और मैंने एक दो बड़े बड़े प्याज और चार हरी मिर्च लिए और अदरक को कद्दूकस कर लिया है। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने जीरा डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने जो काट कर प्याज रखी थी और हरी मिर्च इसे डाल दूंगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे तक से फ्राई कर लूँगी। अगर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो तक इसे मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी अच्छे तरीके से। अभी न्यूट्रेला है इसे भी डाल दूंगी। इसे भी हल्का सा भून लूंगी। इसमें मैं कुछ मसालों को ऐड करूंगी। मैं सूखा धनिया दो चम्मच लगभग, और आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। रेड मिर्च नहीं डाल रही क्योंकि मैं मिर्च डाल चुकी हूँ। अब थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर का भी यूज करूंगी, आधी चम्मच करीब मैंने हल्दी डाली है। इसके बाद मैंने जो चने की दाल है धुल के रखी वो मैं इसमें डाल दूंगी। और जो अदरक है अदरक को भी डाल दूंगी। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। एक ग्लास पानी ले रही हूँ। डालने के बाद एक गिलास मैंने लगभग पानी डाला है और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद वो उस कुकर को बंद कर देंगे और दो सीटी लगा देंगे। अब मैंने मैदा लिया है लगभग और इसे गूंथने के लिए मैंने आधा गिलास लगभग दूध लिया है और ये मैंने एक गिलास गर्म पानी लिया है, ज़्यादा ना गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। जब तक हमारी दाल बन रही है तब तक मैं पराठों की तैयारी करती हूँ। जो मैंने मैदा छान के रखा है उसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी। जो हमने दो चम्मच घी लिया है देसी घी है, अगर आप रिफाइंड चाहें तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे पूरी मैदे में, अच्छा तरह मसल मसल के मिक्स कर देंगे। दूध लिया है, ये नॉर्मल दूध है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और ये मैं इसे अच्छे से गूंथ लूँगी मैदे को। दूध डालने से आपके जो पराठे हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। पानी को मैं बाद में डालूँगी, पहले देख लूँगी दूध से मैदा बंध जाएगी या गुथ जाएगी, उसके बाद में इसे पानी का यूज़ करें और थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालें और बाद में पानी का यूज़ करें जब आपका दूध ख़त्म हो जाए। अगर हो सके तो आप पूरा दूध का यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध को मिला रही हूँ और मैदे को ज़्यादा सख्त नहीं गूंथना है, बिल्कुल सॉफ्ट गूंथना है।
सारा दूध यूज़ कर लिया है। अब मैंने जो गर्म हल्का गुनगुना पानी किया था इसे मैं थोड़ा थोड़ा डालकर गूंद ले रही हूँ, और ज़्यादा ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, और थोड़ा थोड़ा करके ही गूंद लीजिए आप। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यूज़ करें, हमारा ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होगा, थोड़ा ही पानी यूज़ हो, क्योंकि मैंने दूध पहले से डाल दिया है गूंदने में मैदा को। अच्छी तरीके से सॉफ्ट गूंद लिया, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लगा दिया है सॉफ्टनेस के लिए, जिससे कि आपका चिपके नहीं। और मैं ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट कर। मैंने दाल को बनाने के बाद कुकर से निकाल लिया है, और ये देखिए ये टेस्टर आया है, इसे ठंडा कर लूँगी 5 मिनट तक। ये जो मैंने दाल कुकर में बनाई थी ना, इसको मैंने ठंडा करने के 5 मिनट के लिए रख दूँगी। और मैं अब चटनी की तैयारी, जार में हरा धनिया लिया है, और इसमें स्वाद अनुसार आप मिर्च, में 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। और इसके लिए मैं लगभग एक कटोरी, ये 2 चम्मच भर के मैं दही डाल दूंगी। दही से बहुत अच्छा टेस्टर आता है। 3 चम्मच, थोड़ी ज्यादा चटनी चाहिए तो हमें, तो मैं 3 चम्मच डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दें, और 1 चम्मच जीरा, ये मैंने अदरक डाल दिया है। अदरक बिना इसका, इस चटनी का कोई फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए अदरक जरूर डालिए। और इसे मैं थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने दही डाल दिया, दही वैसे ही लिक्विड है। और मैं इसे ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। ये टेस्टर आया है, बहुत अच्छी लगती है इस चटनी को खाने में। मैंने जो दाल को मैंने बनाया था कुकर में, इसे मैं मिक्सी ग्राइंडर में पीस लूंगी। मात्र 1 मिनट भी मिक्सी में दरदरा पीसना है, ज्यादा आपको महीन नहीं पीसना है। सारे मसाले में कुछ भी नहीं करना है। ठंडा करने के बाद पीस लिया है अच्छे तरीके से, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसना है। अब मैं हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड लगा लूँगी, और जितने भी बड़े आपको कबाब बनाने हैं उतने बड़े आप गोल गोल करके, जैसे आलू की टिक्की आप बनाते हैं वो शेप दे दीजिए, और अच्छे तरीके से ऐसे हाथ से दबा दीजिए, थोड़ा सा इतने बड़े बना लीजिए, जितने भी आपको बड़े बनाने हैं, जितना भी साइज चाहिए। इस तरह मैं एक एक करके सभी कबाब को बना लूँगी। ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं सारी, इतनी बड़ी बड़ी, जितना भी जो भी आपको साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। और ये मैंने कढ़ाई में जो ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है, को रिफाइंड ऑयल को मैंने थोड़ा सा गरम, डीप फ्राई नहीं करना, शैडो फ्राई करना है। तरी सभी कबाब को मैंने एक एक करके कढ़ाई में लगा दिया है। इसे गैस फ्लेम को थोड़ा धीमे रखी, कढ़ाई को मैं भुनूंगी अच्छे से, और मीडियम फ्लेम कर दूंगी। इसे 3 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से पकाना है, जब तक गोल्डन ब्राउन अपना कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे पकाना है। एक एक करके मैंने पलट दिया और गोल्डन ब्राउन हो। बनाने के लिए बर्तन होता है वो हमारे पास नहीं है, तो मैंने गैस पर कढ़ाई को उल्टा करके रख दिया, गैस फ्लेम को मीडियम पर रखा है। और अगर आप हो सके कांच का, अगर आपका गैस है तो आप बिल्कुल ना रखें, कांच टूटने का डर होता है, और ये रिस्की ही होता है। जो कूद के रखा था 10 मिनट तक, इसे मैं इसकी मैं लोइयाँ तोड़ लूँगी। गोल जितने बड़े आपको पराठा बनाना है, और जितना पतला बना सके। ये काउंटर टॉप पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि तिवाई पर जो आपका चकला होता है उस पर ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा, तो मैं काउंटर टॉप पे बना रही हूँ। इसे गोल करके अच्छे तरीके से मैं बेल दूँगी। मैंने हल्का सा रिफाइन लगा दिया, और इसे अच्छे तरीके से मैं पोंछ दूँगी। मैंने इसे अच्छे तरीके से बेल लिया है, और कढ़ाई मैंने गर्म कर ली है, और इसे मैं डाल दूँगी कढ़ाई। कढ़ाई पे मैंने डाल दिया, इसके लिए फिलहाल बर्तन भी होता है, हमारे पास बर्तन नहीं है।
सिर्फ फुलाना नहीं है उसको भी। देखिए चिपती आ गई हल्का से, उसे रिफाइंड डाल दीजिए आप, पूरा फैला दीजिए रिफाइंड को। दोनों तरफ से सेक ले रही हूँ जिससे कच्ची ना रह जाए। हमारा बैच कबाब पराठा तैयार है। ये है पराठे और ये है कबाब। ये मैंने चने की दाल से बनाए थे और ये है चटनी और प्याज। ये चटनी के साथ ही अच्छे लगेंगे, विदाउट चटनी नहीं अच्छे लगेंगे। अच्छी करते हैं लंच, आप लोग भी आ जाइए। के साथ इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और चलते हैं लंच पे। और गुड बाय, टेक केयर, लव यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट